अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा सफदर। आप देख रहे हैं द फैक्ट ऑफ टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपने हुआवे या ऑनर के डिवाइसेज जो हैं उनके ऊपर जो हमारा सेफ है उसका पासवर्ड अगर हम भूल जाएं या उसका डाटा बिल्कुल डिलीट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना डिवाइस की इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि ये एक ऑनर का ही डिवाइस है। सिस्टम अबाउट फ़ोन, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो डिवाइस है EMGI वर्जन पर रन होता है, तो जिसका मतलब है EMGI वर्जन जो कि सिर्फ हुआवे के डिवाइसेस में आता है। किरण का प्रोसेसर जो हुआवे और ऑनर के डिवाइसेस बनाते हैं, इसके पीछे ब्रांडिंग पे लिखा हुआ है ऑनर। ये ऑनर 8X मेरा डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में फाइल्स के ऑप्शन में जाना होगा। फाइल में जैसे अगर मैं आपको अपना सेव दिखा दूँ, तो मैं इस वक्त दो सेफ यूज़ कर रहा हूँ। एक ये मैंने जो इस वीडियो के लिए बनाया है, और ये एक मेरा अपना सेफ है जो मैंने जब डिवाइस खरीदा था उस वक्त बनाया था। तो अभी अगर मैं आपको इस सेफ के बारे में बता दूँ कि ये अभी मुझे इसका पासवर्ड थोड़ा सा भूल गया, तो जी आप देख सकते हैं मेरा एक्सेस हो गया है। तो इसमें 0 इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और फाइल्स हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हमें इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा। दोस्तों, सेटिंग में जाने से पहले हमें एक काम करना होगा, यहाँ से हमें इसकी सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर ये हमें ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, शो हिडन फाइल, शो हिडन मीडिया फाइल। इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम अपनी बैक स्क्रीन पर जाएंगे इंटरनल स्टोरेज में, देख सकते हैं मेरी सारी हिडन फाइल सामने आ चुकी हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे इसमें दो सेफ है, एक में फाइल 1 और टेम्प 1 है, जबकि दूसरे में मेरी फाइल 7 है और टेम्प 1 है। तो इसका मतलब है ये जो सेफ है मुझे इसको डिलीट करना होगा। जैसे ही मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ तो मेरा वो पूरा सेफ डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें इसको रिकवर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये देख सकते हैं JSN L20 नॉट फाउंड, चूज अनदर सेफ। तो देख सकते हैं कि मेरा सेफ डिलीट हो चुका है। दोस्तों, अगर इसमें हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसका सिर्फ रिकवर करने का एक ही तरीका, या तो आप हुआवे ID से रिकवर कर सकते हैं, और या हम इसको वेरीफाई सिक्योरिटी क्वेश्चन से कर सकते हैं। अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं जानते तो हम वेरीफाई बाय हुआवे ID कर सकते हैं। हुआवे ID वो है जो आपने अपने डिवाइस में लॉगिन की है। अभी अगर मैं इसका पासवर्ड लिख लेता हूँ दोस्तों, मैंने हुआवे ID का पासवर्ड इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी ये मेरे पासवर्ड को स्कैन कर रहा है। तो अनेबल टू ऑब्टेन डाटा, प्लीज ट्राई लेटर। अभी शायद मेरा वाईफाई कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, एक मिनट प्लीज। अभी मैं इसको मोबाइल डाटा के ऊपर स्विच कर लेता हूँ। तो अभी मेरा वेरीफाई हो रहा है। तो वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर हम एक नया पासवर्ड एंटर कर सकते हैं जो मैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी ये मेरा पासवर्ड हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना होगा, और मैं आपको सेफ के अंदर चलकर भी दिखा देता हूँ। अभी ये देख सकते हैं, लॉग सक्सेसफुल। अभी फिंगरप्रिंट को मैं एसोसिएट कर देता हूँ। इसमें ये मेरे कुछ दोस्तों की वैसे ही इमेजेस थी जो मैंने इस वीडियो के लिए इसके अंदर डाली थी। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पासवर्ड रिकवर करने के दो तरीके बता दिए हैं। अगर आप हुआवे ID से अपने सेफ को एक्सेस नहीं करते तो आपके पास पीछे एक ही रास्ता बच जाता है, वो है आप इसका डाटा क्लियर कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। अभी अगर आप देखें तो मेरे सेफ के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर है जिसके अंदर कुछ मेरी फाइल्स हैं, तो ये अभी नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हो कुछ भी हुआवे या सैमसंग से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो काइंडली मुझे ईमेल कर दीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।